मंडी उपायुक्त सभागार में जिला के पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रखी गई समस्याओं और मांगों पर गंभीरता और सौहार्दपूर्ण ढंग से विचार विमर्श कर इन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा तथा सेवानिवृत्त कर्मियों का मान सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने जिला के संबंधित विभाग अध्यक्षों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटारा करने के निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर पेंशनर एसोसिएशन के प्रधान हरीश शर्मा द्वारा जिला मंडी में एक ओल्ड एज होम बनाने के लिए उपायुक्त से आग्रह भी किया गया। उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए मंडी जिला में भूमि के चयन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उपायुक्त ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं। आज हमारी जो यहाँ पर पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनका काफी टाइम से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक मीटिंग के लिए, ताकि उनके जो पेंशन से संबंधित या बाकी जो सुविधा रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए है उसके संबंधित या कोई अन्य जो दिक्कतें आती है इस उम्र में उसको उसके बारे में चर्चा करने और उसका जो इश्यूज है उसको निपटारा करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आज उसकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और कुछ मुद्दे आए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो या कुछ हेल्थ के इश्यूज थे, तो उसमें विस्तृत चर्चा हुई है। काफी मुद्दे जो है वो मौके पे ही निपटाए गए हैं और बाकी जो मौके पे नहीं हो पाए उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो संबंधित विभाग है उनको दे दिए गए हैं।